हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 6 मेटलर्जी इज गोइंग ऑन। मेटलर्जी में हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। आयरन का उसके ऑक्साइड ओर से जो मेटलर्जी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयरन के ओर्स क्या होते हैं और आयरन के मेटलर्जी के जो स्टेप्स यानी कि मेटलर्जी के जो स्टेप्स थे उनके अकॉर्डन ही हम आयरन की मेटलर्जी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया गया था, पाउडर फॉर्म में ओर को ले आए थे, उसके बाद उसका कैल्सिनेशन रोस्टिंग किया गया था, उसके बाद उसको हम स्मेल्टिंग के लिए ले गए थे। तो हमारा स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा था, तो अपने टॉपिक पर पहुँच गए हम, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग जो चल रहा था उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना। ब्लास्ट फर्नेस का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिगर भी बनाया था, आपने फिगर को चेक किया होगा। और ब्लास्ट फर्नेस जो होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हेमेटाइट ओर की स्मेल्टिंग की जाती है। इसमें स्मेल्टिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कोक का, ठीक है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस एक बहुत बड़ी ह्यूज शेप की फर्नेस होती है जिसकी लेंथ 30 मीटर्स होती है, यानी कि हाइट तो 30 मीटर्स होती है, उसका डायमीटर होता है 6 to 8 meters, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसमें कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है, कप एंड कोन। कप एंड कोन अरेंजमेंट के लिए क्या करना होता है कि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डन यहाँ पर आपको क्या हेल्प मिलती है, हमको हेल्प मिलती है बच्चों कि कप कोन अरेंजमेंट से इसके अंदर आप चार्ज को तो डाल सकते हो, ऊपर से ऊपर का जो फेस है ना वहाँ से इसके चार्ज को तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बट यहाँ से जो गैसेस रिलीज होंगी वो उस फेस से नहीं निकलेंगी। गैसेस जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनको निकालने के लिए इसके नीचे जस्ट जो माउथ होता है इसका फेस होता है उसके जस्ट नीचे से एक पाइप का अरेंज होता है, वहाँ से ये गैसेस पास होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसका जो टेम्परेचर होता है अप टू डाउन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप डाउन जाओगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसमें 3 or 4 जोन्स में ये इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और नीचे नीचे इसका जो बॉटम होता है वहाँ पर से जो मेल्टिंग मोल्टन स्टेज में मेटल आपको ऑब्टेन होती है उसको ऑब्टेन करने का एक अलग से अरेंज होता है। और इसके ऊपर जो स्लैग कलेक्ट होता है उस स्लैग को भी आउट करने के लिए एक अलग से अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। इसमें हॉट एयर पास की जाती है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हॉट एयर पास की जाती है और हॉट एयर पास करने के लिए इसमें जो स्ट्रक्चर्स अरेंज होती हैं उनको बोलते हैं ट्यूअर्स। बोला था ना, मैंने बताया था ना कि ट्यूअर्स लगे होते हैं इसमें, वो ट्यूअर्स क्या करते हैं, हॉट एयर को पास करने में इसमें हेल्प करते हैं। तो देखो, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने लिख लिया था, लेकिन उसका जो फिगर आपने बनाया जस्ट उस फिगर के नीचे आपको नोट करना है। मैं अब नोट कर रहा हूँ ब्लास्ट फर्नेस को, ठीक है ना। ब्लास्ट फर्नेस हैज ए कप एंड कोन अरेंजमेंट, फॉर द कप एंड कोन अरेंजमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज में मैंने आपको बता ही दिया था क्या क्या डालना है आपको, ठीक है ना। चार्ज एट द टॉप ऊपर से चार्ज को डालना है, बट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट के कारण क्या होगा बताओ, इस अरेंजमेंट के कारण गैसेस कैन नॉट एस्केप आउट फ्रॉम इट, आउट फ्रॉम इट।
इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ से जो गैसेस होती हैं, वेस्ट गैसेस जो होती है वो एस्केप नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। देयर इज ए आउटलेट अबव द फर्नेस, देयर इज ए आउटलेट अबव द फर्नेस, अबव द फर्नेस टू रिमूव द वेस्ट एंड हॉट गैस, टू रिमूव द वेस्ट एंड गैसेस। वेस्ट को और गैसेस को रिमूव करने के लिए इसमें एक अलग से व्यवस्था होती है। हॉट गैसेस को हॉट लिख सकते हैं क्योंकि ये गर्म तो होंगी, हॉट गैसेस, ठीक है ना। हॉट गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोक, कहाँ से ऑब्टेन होंगी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोक, जो कोक आपने डाला है चार्ज के साथ, उसके बर्न होने पर जो गैसेस निकलेंगी वो उसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इन फर्नेस हॉट स्ट्रीम ऑफ एयर, इन फर्नेस हॉट स्ट्रीम ऑफ एयर इज पासड थ्रू ट्यूब्स, ट्यूब्स जिनको क्या बोला था नॉन एज ट्यूअर्स, क्या बोला था, ट्यूअर्स, जिनसे आपको हॉट एयर पास करनी है फर्नेस के अंदर उनको क्या बोलते हैं, ट्यूअर्स, TUYERS, ट्यूअर्स, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इंक्रीज ऑन मूविंग अप टू डाउन, फर्नेस का जो टेम्परेचर होगा वो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगा, है ना। ऊपर से नीचे तो था, ऊपर 673 केल्विन था, नीचे 1773 केल्विन था, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट आउटलेट फॉर रिमूविंग, देयर आर डिफरेंट आउटलेट There are different outlets for removing slag. Slag के लिए भी यहाँ पर outlets लगे होते हैं, and molten iron. देखो मोल्टन आयरन को और स्लैग को आउट करने के लिए इसमें नीचे जो इसका बॉटम था वहाँ बॉटम से मैंने इस तरह से और इस तरह से दो पाइप का अरेंज किया था, ठीक है ना। दो पाइप जो लगे थे, एक से स्लैग निकला था और एक से मोल्टन आयरन, नियर द बेस ऑफ फर्नेस, नियर द बेस ऑफ फर्नेस, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस हो गई स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें आपने जो चार्ज डाला था ना, वैसे तो चार्ज मैंने ऊपर नोट कर दिया था, पर चलो और अब लिख देता हूँ मैं एक बार चार्ज को कि इसमें चार्ज की फॉर्म में आपने क्या क्या डाला है। जो चार्ज होता है उसके अंदर किस किस तरह से चार्ज डालते हैं, देखो कैल्सिनेटेड और
रोस्टेड ओर, या तो वो कैल्सिनेटेड होगा या रोस्टेड होगा, ठीक है ना। ओर ले लिया, जिसमें ओर किस फॉर्म होगा, ऑक्साइड फॉर्म में। इसके लेते हैं आप स्टूडेंट्स 8 पार्ट प्लस कोक, कोक के डालेंगे आप 4 पार्ट प्लस लाइमस्टोन डालना है ना, लाइमस्टोन थोड़ा सा, इसका 1 पार्ट। ये अमाउंट आपको लेनी है चार्ज में, रोस्टेड ओर के 8 पार्ट, कोक का 4 पार्ट और लाइमस्टोन का 1 पार्ट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। अब इसके नीचे आप लिख दो मेन रिएक्शन, मेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मेन मेन रिएक्शन है वो कौन सी होती है, ठीक है ना। इसके डिफरेंट जो जोन्स हैं उनके अंदर। तो स्टूडेंट्स फर्नेस कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिगर आपको ध्यान में आ जाए तो इजी वे में आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कब कौन अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। कब कौन अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि केवल चार्ज को जब उसके अंदर डालते हैं तो चार्ज ही इंटर कर पाए फर्नेस के अंदर, उसमें से गैसेस वगैरह जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो उसके फेस से बाहर ना निकले, इसके लिए अलग से अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको, ये तो फर्नेस के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज हो गई, इसको आप उस फिगर के नीचे नोट कर देंगे। और अब इसकी रिएक्शंस को हम चेक करते हैं कि फर्नेस के अंदर क्या क्या रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। तो देखो रिएक्शन देखते हैं हम, सबसे पहले चेक करते हैं ऊपरी ऊपर कौन सा जोन था बताओ, रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन। और रिडक्शन जोन का टेम्परेचर कितना था, 673 केल्विन टू 973 केल्विन, ठीक है ना। ये वाला टेम्परेचर था, और इस टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं वो क्या होती हैं, देखो आयरन थर्ड ऑक्साइड, और आयरन थर्ड ऑक्साइड के पास कोक वाले, कोक से निकल कर आएगी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आयरन फोर्थ ऑक्साइड में, और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। आयरन फोर्थ ऑक्साइड बैलेंस करके चेक करो इस बार एक बार इसको, तो ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 6, और यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 3, तो 3 और 2, ठीक है। अब देखो इसका और इसका दोनों का रिडक्शन करना है आपको, दोनों का रिडक्शन करना है, क्योंकि ये फर्नेस के अंदर ही तो है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिड्यूस होएगा, ये रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, और जो रिमेन्स पार्ट इसका होगा उसका भी रिडक्शन हो जाएगा। तो दोनों का रिडक्शन कर दो, Fe3O4 प्लस CO इक्वल टू ये FeO प्लस CO2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeO प्लस CO2, ठीक है ना। और Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू FeO प्लस CO2, दोनों रिड्यूस हो चुकी हैं। बैलेंस चेक कर लेना एक बार, बैलेंस दोनों का ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर Fe3O4 है और इसमें यहाँ पर तो 2 लगा दें, 4 हो गई, 2 और 2 4, और यहाँ पर 3 लगा दें, ठीक है ना। तो 4 और C
एक मिनट चेक करें। ठीक है भाई, अब देखो ये तो हो गई रिडक्शन जोन की रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस जगह पर जो आयरन होता है बच्चों वो किस तरह का हो जाता है, रिडक्शन जोन में जो आयरन आपको ऑब्टेन होता है वो होता है स्पॉन्जी आयरन, है ना। और ये जो स्पॉन्जी आयरन होता है ना ये पोरस हो जाता है और थोड़ा सा सॉलिड होता है। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम, दिस आयरन इज पोरस एंड सॉलिड सॉलिड दिस आयरन इज पोरस एंड सॉलिड। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको स्पॉन्जी आयरन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्पॉन्जी आयरन, इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी आयरन, इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी आयरन, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले जोन में चलते हैं, रिडक्शन जोन के बाद जो नेक्स्ट जोन है वो है सेंट्रल जोन, ठीक है ना। सेंट्रल जोन, यहाँ का टेम्परेचर कितना था सेंट्रल जोन का, सेंट्रल जोन का टेम्परेचर था स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है, ये स्टार्ट होता है 973 से और 1273 तक, ठीक है ना। इसके बाद 973 केल्विन से 1273 केल्विन तक पहुँचता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो सेंट्रल जोन का टेम्परेचर माना गया है वो माना गया है 1173 से 1473 तक, जो सेंट्रल जोन का टेम्परेचर होता है वो माना गया है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपने लाइमस्टोन को यूज किया था ना, इसमें लाइमस्टोन यूज किया था ना, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होता है और लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर ये CaO प्लस CO2 फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर सेंट्रल जोन में आयरन भी है, इसका फिर से क्या होगा, रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद ये आयरन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं यहाँ पर, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं सिलिकन वगैरह की, जो गैंग होती है ना सिलिकन वगैरह की जो गैंग होती है उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है। तो जैसे देखो ये CaO, ये क्या है स्लैगी तो है प्लस फ्लक्स है, सॉरी ये क्या है फ्लक्स है, और फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्ट करेगा और गैंग के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा, क्या बनाएगा स्लैग, ठीक है ना। ये फ्लक्स है, मैं लिख दूँ बनी ध्यान देगा जिससे तुमको, फ्लक्स और ये क्या है गैंग, और यहाँ पर ये क्या बना दिया इसने स्लैग। स्लैग जो होता है लाइट इन वेट होता है, जो मेटल की सरफेस पर क्या करेगा फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम सिलिकेट, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट। तो रिडक्शन जोन और सेंट्रल जोन की दोनों रिएक्शनों को आप यहाँ पर नोट कीजिए, नेक्स्ट जोन की रिएक्शंस को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, किस तरह से आपने आयरन का ऑक्साइड लिया, इसको आयरन फोर्थ ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर आयरन फोर्थ ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन टू ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और आयरन टू ऑक्साइड जो होता है उसका फिर से रिडक्शन होता है और वो आयरन मेटल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर सेंट्रल जोन में। और सेंट्रल जोन में इसके अंदर जो गैंग प्रेजेंट थी उनके लिए आपने लाइमस्टोन को यूज़ किया था, वहाँ से आपको कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स की फॉर्म में ऑब्टेन हुआ है, जो गैंग से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट को फॉर्म कर रहा है, जिसको क्या बोलोगे हम स्लैग, ठीक है ना। तो नोट करो, अब देखो थर्ड है,
थर्ड कौन सा जाता, फ्यूजन जोन। और टेम्परेचर कितना था फ्यूजन का बताओ, टेम्परेचर यहाँ पर फ्यूजन जोन का रखा था आपने 1273 से 1573, यहाँ से स्टार्ट होता है 1273 केल्विन टू 1573 केल्विन तक, ये फ्यूजन जोन का टेम्परेचर है, ठीक है ना। और फ्यूजन जोन में क्या होता है कि जो आपको स्पॉन्जी आयरन यहाँ पर ऑब्टेन हुआ था, ठीक है ना, वो स्पॉन्जी आयरन मेल्ट हो जाता है और वो कार्बन फास्फोरस सिलिकन जैसी जो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर एक लाइन में नोट कर देता हूँ, इन दिस जोन स्पॉन्जी आयरन मेल्ट एंड एब्जॉर्ब कार्बन फॉस्फोरस सिलिकन एटसेट्रा, इन सबको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको रिएक्शन मिलने वाली है वो है ये वाली, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक के साथ रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना, कोक के साथ रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑब्टेन हो जाती है। और यहाँ पर जो डेल एच की जो वैल्यू है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, और वो कितनी है 163 किलो जूल। इसके बाद फोर्थ जोन है और फोर्थ जोन का नाम है कंबस्टन जोन। टेम्परेचर 1573 केल्विन टू 1773 केल्विन, ये टेम्परेचर है, यानी कि बहुत हायर टेम्परेचर है यहाँ पर। और यहाँ पर इस हायर टेम्परेचर पर क्या होगी कि कोक जो होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ये तो कोक हो गया, ये हॉट एयर जो आप ट्यूबर्स के थ्रू आप पास कर रहे थे ना, वो हॉट एयर अगर एक्सेस अमाउंट में आई है तो कोक के साथ मिलकर CO2 गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाती है। और कुछ अमाउंट में अगर आयरन ऑक्साइड यहाँ पर अब भी रिमेन्स है तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जोन से सेकंड जोन जो था सेंट्रल जोन, वहाँ पर स्लैग फॉर्म हो गया था और यहाँ पर आपको मेटल आ गई, ठीक है ना। तो मेटल थोड़ी हैवियर होती है तो ये तो कहाँ चली जाती है, बॉटम में चली जाती है। स्लैग क्या होते हैं, लाइटर होते हैं जो वो मेटल की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्लैग बीइंग लाइटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लैग बीइंग लाइटर। स्लैग कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टर आयरन, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन, जो मोल्टन आयरन की सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है ना, विच इज रिमूव्ड एट टाइम टू टाइम, और उसको समय समय पर अलग कर लेते हैं, विच इज रिमूव्ड एट टाइम टू टाइम, समय समय पर, यानी कि कई बार स्लैग को इसमें से आपको आउट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में स्लैग आउट हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अब देखो इस ब्लास्ट फर्नेंस से जो आयरन आपको ऑब्टेन हुआ है, उस आयरन को हम क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन, क्या बोलेंगे बच्चों, कास्ट आयरन।
ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूँ एक लाइन में, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इस, इधर लिख के ले जा रहा हूँ मैं इस तरफ से, इस कॉल्ड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बोल दो या पिग आयरन बोल दो, दूसरा नाम भी है इसका एक पिग आयरन, कास्ट आयरन बोल सकते हैं, पिग आयरन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओब्लिक लगा के लिख रहा हूँ मैं, पिग आयरन, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है अभी भी, लगभग 4% तो इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और फास्फोरस सिलिकन जैसी इम्प्योरिटीज भी थोड़ी बहुत इस अमाउंट में यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इट कंटेन अमाउंट 4% कार्बन, लिख देता हूँ मैं, इट कंटेन अबाउट 4% कार्बन एंड ट्रेस ऑफ फास्फोरस सिलिकन मैंगनीज, ये इम्प्योरिटीज हैं, सल्फर, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज ब्लास्ट फर्नेस के बाद आपको जो आयरन ऑब्टेन हुआ है, उस आयरन का नाम, उस नेम ऑफ द आयरन विच ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन और पिग आयरन। और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि पिग आयरन के अंदर क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, तो 4% तो अप्रॉक्सीमेटली कार्बन प्रेजेंट होता है और कुछ इसमें ट्रेस की गई इम्प्योरिटीज क्या, फास्फोरस सिलिकन मैंगनीज और सल्फर, ये सल्फर है, ठीक है ना, ये इम्प्योरिटीज इसके अंदर ट्रेस की गई हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और इनको नोट करो, ये रिएक्शन हो गई कम्प्लीटली किसकी, ब्लास्ट फर्नेस के जो अंदर रिएक्शन अकर्स होती हैं वो सारी सारी रिएक्शन आपके सामने मैंने नोट की है, ठीक है ना। अब देखो आपने कौन सा आयरन ऑब्टेन किया है, कास्ट आयरन, ठीक है ना, ये कास्ट आयरन आपने ऑब्टेन कर लिया। देखो द हॉट मोल्टन आयरन इज पावर्ड टू द हॉट मोल्टन आयरन इज पावर्ड टू मोल्ड एंड अलाउड पावर्ड इंटू मोल्ड इंटू मोल्ड्स एंड अलाउड टू कूल। ये जो मोल्टन आयरन होता है इसको मोल्ड करके इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कंडीशन होती है, अगर ये आयरन रैपिडली कूल होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, रैपिडली कूल होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो इफ मोल्टन आयरन इज कूल्ड रैपिडली, इफ मोल्टन आयरन इज रैपिडली कूल्ड, अगर ये रैपिडली कूल्ड हो गया तो, ठीक है ना, कूल्ड, देन कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, देन कार्बन प्रेजेंट किसके अंदर, इस मोल्टन आयरन के अंदर अभी 4% कार्बन है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट,
in the form of cementite. अगर ये कास्ट आयरन रैपिडली कूल्ड होता है तो इट मीन्स यहां पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो सीमेंटाइट की फॉर्म में, ठीक है ना. दिस इज नोन एज व्हाइट कास्ट आयरन. और इसको क्या बोलोगे? दिस इज नोन एज व्हाइट कास्ट आयरन. और अगर ये धीरे धीरे ठंडा होता है, इफ मोल्टन आयरन कूल्ड स्लोली, इफ मोल्टन आयरन कूल्ड स्लोली, तो इसके अंदर जो कार्बन होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा. अगर तेजी से ठंडा होता है तो कार्बन सीमेंटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर जो कार्बन है इस मोल्टन आयरन के अंदर वो किस फॉर्म में होगा? ग्रेफाइट फॉर्म में. देन कार्बन इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, देन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. कार्बन किस फॉर्म में है? या ग्रेफाइट की फॉर्म में, ठीक है ना. तो इसको क्या बोलेंगे? ब्राउन कास्ट आयरन, दैट इज कॉल्ड ब्राउन कास्ट आयरन. तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या? ब्राउन कास्ट आयरन. तो देखो, आपको व्हाइट कास्ट आयरन और ब्राउन कास्ट आयरन इन दोनों के अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है. अगर आयरन रैपिडली ठंडा हो रहा है तो उसमें कार्बन जब सीमेंटाइट की फॉर्म होता है तो उसको व्हाइट कास्ट आयरन बोलेंगे, और अगर मोल्टन आयरन स्लोली ठंडा होता है और इसके अंदर कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ब्राउन कास्ट आयरन बोलेंगे, ठीक है ना. लगभग यहाँ पर जो ये जो आयरन होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 3% कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये 3% जो कार्बन प्रेजेंट होता है ना स्टूडेंट्स, इसी की वजह से जो आयरन होता है वो हार्ड और ब्राइटल होता है, और हार्ड और ब्राइटल होने के कारण हार्ड और ब्राइटल हो जाता है. और साथ में ये जो कार्बन है ये क्या हेल्प करता है? इसको आयरन को कोरोजन से भी बचाता है. कार्बन जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, 3% रह जाता है, वो इसको कोरोजन से भी बचाता है, ठीक है ना. तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, अबाउट 3% ऑफ कार्बन रिमेन्स, अबाउट 3% ऑफ कार्बन रिमेन्स इन द इन कास्ट आयरन, इन कास्ट आयरन इट इज वेरी हार्ड. तो ये आयरन कैसा होता है? बहुत हार्ड एंड ब्राइटल, ठीक है ना. और किससे बचाता है ये? कोरोजन से. इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन से भी इसको ये बचाता है, ठीक है ना. हाँ भाई, तो ये तो हो गया कास्ट आयरन. देखो, आयरन टू टाइप्स का होता है, कास्ट आयरन और रॉट आयरन, ठीक है ना. तो कास्ट आयरन मैंने आपको बता दिया, आपने चेक कर लिया, और आप चेक करके अब इसको आप नोट कर सकते हो. दूसरी टाइप का जो आयरन होता है वो कौन सा होता है? रॉट आयरन. और ये जो रॉट आयरन होता है ना बच्चों, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, और इसके अंदर कार्बन जो होता है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना.
तो कास्ट आयरन और रॉट आयरन में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप इन दोनों में से यहाँ से चेक करके नोट कर सकते हो। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इन विच, जिसमें इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन इज कितनी है, 0.2 से 0.5 इज अप टू 0.2 0.5, बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है ना। एंड इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मेटल्स, इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मेटल इज वेरी लेस, अदर मेटल की जो इम्प्योरिटीज है वो भी बहुत ही लेस होती हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको कास्ट आयरन से रॉट आयरन ऑब्टेन करना है। भाई कास्ट आयरन में तो 3% कार्बन प्रेजेंट है और रॉट आयरन के अंदर 0.2 0.5% तक कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, फास्फोरस, सिलिकन, सल्फर, ये कुछ, और मैंगनीज, ये कुछ प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज वेरी लेस मेटल्स की, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो देखो, कास्ट आयरन से आप रॉट आयरन कब प्राप्त करोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे, तो आप कास्ट आयरन लीजिए और इस कास्ट आयरन को हम हैमर से, जो हैमर होता है ना, उस हैमर से बहुत स्पीडली क्या करते हैं, हम इसको बीट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बीट करते हैं हैमर से। और हैमर से जब इसको बीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस आयरन के अंदर जो भी स्लैग की इम्प्योरिटीज यहाँ पर रिमेन्स हैं, वो सारी इम्प्योरिटीज इसमें से आउट हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जो आयरन स्लैग यानी कि इम्प्योरिटीज के आउट होने के बाद कार्बन के पार्टिकल्स आउट हो जाएंगे, ये इम्प्योरिटीज आउट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये जो आयरन आपको ऑब्टेन हुआ है, इसी को बोल रहे हो आप रॉट आयरन, ठीक है ना। तो रॉट आयरन कैसे ऑब्टेन किया, इस बात को समझ लेना ध्यान से। कास्ट आयरन को हम हैमर से स्पीडली बीट करते हैं और स्पीडली बीट करते हैं तो इस आयरन के अंदर से जो स्लैग की इम्प्योरिटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्बन पार्टिकल्स हैं, कुछ और मेटल पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब इसके अंदर जब इसको बीट करते हैं तो इसमें से आउट हो जाते हैं। और आउट होने के बाद यहाँ पर जो ये आयरन आपको ऑब्टेन हुआ है, इसको बोल रहे हो आप रॉट आयरन, ठीक है ना। ये प्योर फॉर्म होती है आयरन की, ये बहुत ही कैसा होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, इजी वे में आप इसको मोल्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम रॉट आयरन। तो स्टूडेंट्स, ये आयरन की मेटलर्जी आपके सामने मैंने कंप्लीट की है। आयरन को किस तरह से ऑब्टेन किया है हमने, आयरन को हेमेटाइट ओर से, हम हेमेटाइट ओर से प्योर आयरन मेटल कैसे ऑब्टेन करें, उसकी मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पर हमने स्टडी किए हैं। ब्लास्ट फर्नेंस को हमने स्टडी किया है, ब्लास्ट फर्नेंस का फिगर भी बनाया है, इसके डिफरेंट जोन के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें हमने चेक की हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हेमेटाइट का, इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पिछली बार भी आया था, तो आप इसको अच्छे ढंग से चेक करेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो और कमेंट्स करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।